गाइस वेलकम टू मेकअप ब्लिस, मैं हूँ शार्नली। आज मैं ये खूबसूरत आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ यूजिंग ओनली मर्स मेसमराइज आई शेडो पैलेट। आज मैं इसका फुल रिव्यू करने वाली हूँ और ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका प्राइस भी बहुत कम है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मार्स का मेसमराइज आई शेडो पैलेट, इसका प्राइस है 299 रुपीज और इसमें आपको 16 आई शेडोज मिल जाएंगे। इसमें है 10 मैट शेड, 5 शिमर शेड और 1 प्रेस्ड ग्लिटर। इसके सारे शेड मुझे काफी अच्छे लगे और यहाँ पर आप देखो पिंक शेड है, ग्रीन शेड है, येलो शेड है और लेवेंडर शेड भी है और ब्लू शेड भी है। मतलब आप तरह तरह के आई लुक क्रिएट कर सकते हो इस एक पैलेट को यूज करके। यहाँ पर अगर मैं क्विकली स्वच करके आपको दिखाती हूँ तो आप देखना कि सारे ही शेड बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी के भी लग रहे हैं। तो इस पैलेट के सारे शेड मुझे काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी पिगमेंटेड है, आप देख ही सकते हो स्वच करने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो प्रेस्ड ग्लिटर है ना, ये मेरी फेवरेट है, आप देखो कितना ज़्यादा प्रिटी शेड है, लेवेंडर शेड का प्रेस्ड ग्लिटर है गाइस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो फर्स्ट मैंने आईलिड को प्रेप कर लिया और इसके बाद मैं ये ब्लू शेड ले रही हूँ एक क्लीन फ्लफी ब्रश में और मैं क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ इस ब्लू शेड को अच्छे से और थोड़ा सा ब्लेंड भी कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर के तरफ भी मैं ले जा रही हूँ, लेकिन मोस्टली मैं क्रीज लाइन पर ही इस ब्लू शेड को लगा रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये डीप पर्पल शेड और इसे मैं लगा रही हूँ ब्लू शेड के एकदम पास ही, जस्ट एकदम साथ में इसको ब्लेंड करके लगा रही हूँ, ज़्यादा मैं दूर तक नहीं ले जा रही हूँ, जस्ट क्रीज लाइन के ऊपर ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये डीपर पिंक शेड ले रही हूँ, ये थोड़ा डीप पिंक शेड में है और इसे मैं एक क्लीन फ्लफी ब्रश में ले रही हूँ और पूरे एकदम आईलिड के ऊपर तक मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड किया है। अब मैं कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। इसके बाद मैं ये लेवेंडर शेड ले रही हूँ, ये एक लाइट लेवेंडर शेड है, सो बहुत ही लाइट लग रहा है ये अप्लाई करने के बाद, तो इसको मैं लगा रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली अगर हम शिमर प्रेस ग्लिटर ये सब अप्लाई करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद मैं ये प्रेस ग्लिटर ले रही हूँ और मैंने बस फिंगर टिप का ही यूज़ किया है, मैंने कोई भी कुछ भी सेटिंग स्प्रे या कुछ भी ग्लिटर ग्लू कुछ भी यूज़ नहीं किया है, जस्ट मैंने फिंगर से लिया है और मैंने अप्लाई किया है। और इसके बाद मैंने आईलाइनर लगाया है, मस्कारा लगाया है, आईब्रो किया है और इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर फिर से ये ब्लू शेड ले रही हूँ। पहले मैं आउटर कॉर्नर पर ब्लू शेड लगा रही हूँ, इसके बाद इनर कॉर्नर पर मैं ये डीप पर्पल शेड लगा रही हूँ और इन दोनों शेड को ब्लेंड करने के लिए मैंने ये डीप पिंक शेड लिया है और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और काजल लगाकर कंप्लीट करने के बाद मेरे आई लुक ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से ये लुक क्रिएट हुआ है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक आई शेडो पैलेट से इतना खूबसूरत कलरफुल लुक क्रिएट हो सकता है और जिसका प्राइस ओनली 299 रुपीज में है। तो आप इस आई शेडो पैलेट को ज़रूर ट्राई करना गाइज, इससे आप बेहतरीन तरीके से आई शेडो लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे आई लुक आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही वर्सेटाइल आई शेडो पैलेट है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो पर हम बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।